हेलो एवरीवन, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड, अक्सर हमारे घर में कोई सब्ज़ी या दाल बच जाती है और हम ये सोचते हैं इसका करें क्या, क्योंकि जो सुबह में बचता है वो शाम में कोई खाना नहीं चाहता, शाम में जो बच जाता है सुबह में कोई से जल्दी से खाना नहीं चाहता। इसी का समाधान आज मैं आपके सामने लाई हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आपके सामने घर में कोई सब्ज़ी या दाल बच जाए, आप ये ना सोचें उसका करना क्या है, उससे हम बना सकते हैं स्वादिष्ट और नरम पराठे। आज मैं भी यही करने जा रही हूँ। देखिए, मैंने यूज़ किए हैं एक बाउल आलू और दाल जो कि मेरे घर में बचे हुए हैं, और आटा, बारीक चौकी हुई प्याज बहुत बारीक, हरी मिर्ची, आधा चम्मच जीरा, एक चुटकी हींग, आधा चम्मच नमक, एक चुटकी अजवाइन, हरा धनिया और पानी। चलिए सबसे पहले हम इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके आटा तैयार कर लेते हैं इनका, या डो बोल दीजिए जैसे भी आप चाहें। फ्रेंड्स, इस अक्सर ये होता है सभी के घर में कि जो भी चीज़ बचती है लोग, बच्चे बड़े सब मना कर देते हैं कि हमें नहीं खाना है, सुबह खाया तब शाम में नहीं खाएंगे। आपके घर में कुछ भी बचे, ज़रूर नहीं है दाल या आटा, जो भी सब्ज़ी या दाल बचे आप उसका बना सकते हैं, आटा इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और इसके पराठे बनाकर देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और नर्म होते हैं। सबसे पहले हमें करना ये है, जो भी जीरा, हींग, नमक और अजवाइन, इसे हल्की आंच पर रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, से हल्का सा रोस्ट कर लिया है सभी चीज़ों को मैंने, हींग की और अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है आपके घर में भी आलू और दाल ही बचे जैसे मेरे बचे, आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी, कोई भी दाल, या खाली सब्ज़ी या खाली दाल, जैसे भी ये दाल। मेरे पास दो कटोरी चीज़ें थी बाउल में, एक में आलू एक में दाल, तो मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है। सभी चीज़ें ऐड कर लिए, इसमें पानी शुरू में ना मिलाएं, कोशिश करें इसी से आटा आपका गूंथ जाए, अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी बाद में ऐड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें ऐड कर लिया है मैंने इसमें, दाल, आलू, और अभी तक पानी नहीं ऐड किया है मैंने इसमें, और पानी ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत लग भी नहीं रही है। आटा ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, यही बात मैंने आपसे शुरू में कही थी, ज़रूरत लगे तो पानी मिलाना है वरना पानी ऐड नहीं करना है। देखिए बस, अब थोड़ा सा पानी हाथ पर लगा के देखिए फ्रेंड्स, आटा तैयार हो गया है सब्ज़ी और दाल का। अब इसका बनाते हैं पराठा। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही नरम और बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनते हैं। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, जो भी आपके यहाँ सब्ज़ी दाल बचे। देखिए देखिए फ्रेंड्स,
पराठा तैयार हो गया है। गैस मैंने हाई फ्लेम पे ऑन की हुई थी 2 मिनट पहले से। तवा गर्म होने पर पराठा बनाएंगे। तवा गर्म हो गया तेज। देखिए जब ये दोनों साइड से सिक जाए तब इस पर हल्का सा घी लगाना है। आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं, बटर में बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से अच्छा सिक गया है, पराठा तैयार हो गया है। गैस ऑफ करते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स नरम पराठा तैयार है। आप चाहे तो बटर से, चाहे अचार से, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।